हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में केनिजारो रिएक्शन को समझ लिया था, ठीक है। अब हम केनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल को करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो देखते हैं एक एक करके केनिजारो रिएक्शन को, एक एग्जांपल केनिजारो से बेसिस बेसिक। अब देखो ये मेरे पास सी एच थ्री सी ओ एच, इसकी रिएक्शन मुझे एच सी एच ओ एक्सिस मीडियम में, ठीक है, एक्सिस में है, इसके साथ कराना है, ठीक है। एच सी एच ओ के साथ मुझे एक्सिस में कराना है और यहाँ पर ओ एच माइनस, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हर बुक में मिलता है बच्चों, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास ओ एच है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन में क्या होगा बच्चों, स्टेप वन में आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन लगेगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ध्यान से समझते जाओ। सी एच टू एच सी ओ एच, यहां पर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। नाउ अब क्या होगा, बेसिक मीडिया इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा और यहां पर क्या जाएगा, सी एच टू माइनस। बच्चों में इनोलेट आयन के साथ नहीं करा रहा, मैं माइनस चार्ज के साथ करा रहा हूँ, कई बार मैंने बताया माइनस चार्ज के साथ करा रहा हूँ, आप इसको इनोलेट आयन के ही तरीके से समझना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर एच सी ओ माइनस एच सी एच टू सी ओ एच। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों, किस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। अब यहां पर आपको क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, H2O के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, HCOH CH2COH। नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन मुझे आप इसके साथ कराना है, फिर इसके अंदर आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपका देखो यहां पर सी एच टू ओ एच, ठीक है, यहां पर सी एच एच लिख देता हूं बच्चों, इसको मैंने सी एच टू ओ एच लिख दिया। सेकंड स्टेप में आपका फिर क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसके साथ, एच सी ओ एच के साथ। तो जैसे ही मैंने ओ एच माइनस अब यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ओ एच सी एच टू सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ एच। नाउ अब ये माइनस चार्ज अब फिर यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, ओ एच सी एच टू यहां पर आपका, दो मिनट तो पहले इसको बना लेते हैं, जहां पर अटैक हो रहा है वो काफी इजी पड़ेगा, एच यहां पर आपका सी एच, यहां पर ये इससे सी एच टू ओ एच और यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब फिर से मैंने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दिया तो आपका क्या बनेगा, ओ एच सी एच टू सी एच सी एच टू ओ एच और यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप समझते बच्चों, स्टेप थर्ड में आपका क्या होगा बच्चों, स्टेप थर्ड में फिर यहां पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फिर से आपका क्रॉस एल्डोल होगा, स्टेप थर्ड भी आपका क्या होगा बच्चों, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब देखो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कराते हैं बच्चों, देखो ओ एच सी एच टू, ठीक है, सी एच सी एच टू ओ एच और यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ओ एच माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा और क्या बना लेगा बच्चों, ओ एच, यहां पर लिख देता हूं बच्चों में सी एच टू ओ एच, यहां पर सी माइनस, यहां पर सी एच टू ओ एच, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये माइनस चार्ज आपका कहां अटैक करेगा, सी पर, ये ऊपर ओ माइनस, यहां एच, यहां एच। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा बच्चों, काफी ईजी है। देखो फिर आपका सी एच टू ओ एच यहां पर होगा, यहां पर आपका क्या होगा सी एच टू ओ एच, ठीक है। सबसे पहले इसको बना लेते हैं,
सबसे पहले हम अब इसको बना लेते हैं, देख लेते हैं ध्यान से, CO-H यहां पर इसने अटैक किया। अब इसके साथ तीन वैलेंसी जुड़ी हुई है, देखो ध्यान से, CH2OH, CH2OH और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड H। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसकी रिएक्शन जब मैं आपका वाटर के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो CH2OH 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 और यहां पर एक वैलेंसी C डबल OH, इस तरीके से आपका बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब देखो बच्चों, ना वहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ना यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ना यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपका कौन सा रिएक्शन लगने वाला है? तो यहां पर आपका केनिजारो लगने वाला है। स्टेप फोर आपका क्या होगा बच्चों? केनिजारो रिएक्शन। स्टेप फोर आपका केनिजारो रिएक्शन, और केनिजारो रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर आपका OH माइनस अटैक करेगा, देख लेते हैं, CH2OHC, यहां पर CH2OH, यहां पर भी आपका CH2OH, अब देखो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब केनिजारो आपका कहां पे लगेगा, इस पर या इस पर? अब देखो केनिजारो में आपका यहां अटैक करेगा पहले, यहां पर आपका OH माइनस अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। अब देखो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर CO-OHH, अब यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से ये बॉन्ड नीचे जाएगा, यहां से ये वाला बॉन्ड आपका नीचे जाएगा, और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका कहां खुलेगा, ऊपर खुलेगा। तो अब क्या होगा बच्चों इसके साथ, देखो ध्यान से समझना, CH2OH CCH2OH CCH2OH, अब इसके साथ क्या हुआ, यहां पर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे O माइनस, देन आफ्टर मैंने इसका अगर यहां पर H2O के साथ रिएक्शन कराया तो आपका क्या बन जाएगा, CCH2OH CH2OH CH2OH और CH2OH। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या हुआ, तीन बार एल्डो लगाया और लास्ट स्टेप में हमने केनिजारो लगा के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नाउ अब मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड बताता हूं बच्चों जहां पर आपका केनिजारो कभी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पर कंपाउंड, सम मॉलिक्यूल विच कैन नॉट गिव केनिजारो रिएक्शन। आप कौन कौन से मॉलिक्यूल है बच्चों, देख लो ना, ध्यान से समझना, यह आपका CHONME3, एक तो यह आपका केनिजारो नहीं देगा, अगला कौन सा है बच्चों, CHONH2, ये भी आपका कभी केनिजारो नहीं देगा, और ये वाला मॉलिक्यूल आपका कभी केनिजारो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इन सब में क्या है बच्चों, ये क्या है, तीनों के तीनों हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है और हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप आपका कभी भी क्या नहीं देगा बच्चों, केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। थोड़ा सा इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा होगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखते बच्चों, यहां पर हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, काफी सिंपल रिएक्शन है, एक बार ध्यान से समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको पहले रिएक्शन लिख के बताता हूं, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। तो रिएक्शन क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, जैसे मेरे पास CH3C, यहां पर लिख देता हूं R, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं R, ठीक है, RCOC, ठीक है, यहां पर यह हाइड्रोजन, यहां पर यह हाइड्रोजन, यहां पर यह हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, Br2 या फिर X2, X2 कौन कौन से हो सकते हैं, X2 आपका हो सकता है Br2, Cl2 और I2, ठीक है, तीनों होंगे, चाहे मेरे पास एसिडिक मीडिया हो चाहे मेरे पास बेसिक मीडिया हो, रिएक्शन क्या होगा,
ये कौन सा हाइड्रोजन है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन पे जाके आपका कौन लग जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन पे जाके आपका एक्स लग जाएगा और यहां से दो एच निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। दोनों मीडियम है, तो ये आपका दोनों मीडियम में होता है। देखते हैं कि किस तरीके से होता है बच्चों। इसका मैकेनिज्म अब हम समझते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म आपका क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। मैकेनिज्म समझ लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर ध्यान से समझते हैं। देखो यहां पर आर, इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों एक एक करके। ये मैकेनिज्म यहां पर मैंने आर सी ओ सी एच थ्री बना दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहां पर मैं एसिडिक मीडियम में बोलता हूँ। किस कौन से मीडियम में बच्चों? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में मैं आपका बताता हूँ, तो सबसे पहले आपका यहां पर मैंने सी एच थ्री सी डबल ओ एच मतलब एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया मीडियम में। अब देखो ये अपना एच प्लस इसको देगा। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो जैसे ही अपना एच प्लस दिया तो यहां पर ओ एच प्लस, यहां पर सी एच थ्री। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? यहां पर सी एच टू, यहां पर एच कर दो। अब सेकेंड स्टेप में यहां पर ओ माइनस ओ सी सी एस थ्री होगा। अब ये वाला आपका यहां जाएगा बोन्ड। ठीक है, सॉरी, ये वाला बोन्ड आपका यहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये आपका इसके पास चला जाएगा। तो आपका सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा बच्चों? सी एच थ्री सी ओ एच एसिटिक एसिड वापस बन गया। लेकिन यहां पर जो आपका बना है, यहां पर आपका क्या बन जाएगा? यहां पर आपका ओ एच और यहां पर सी एच टू। ये कौन सा फॉर्म बन गया है? इनोल फॉर्म। काफी इजी रिएक्शन है। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों? जो हमने एक्स टू लिया हुआ है, अब देखो ये आपका एज अटैक करेगा इधर और ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा? आर सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू एक्स। ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहां पर आपका क्या है बच्चों? ओ एच। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो यहां पर एक्स माइनस था, एक्स माइनस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा तो यहां पर क्या होगा? इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एक्स। मतलब अल्फा पोजीशन पे हमको क्या करना है? इसका हम ऑब्जर्वेशन दे देख लेते हैं कि क्या करना है। अल्फा पोजीशन या फिर मैं सिंपल बताता हूं, अल्फा हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय हेलोजन ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? हेलोजन ग्रुप से। देखो एक दो क्वेश्चन अब हम ध्यान से समझते हैं कि किस तरीके से हम अल्फा हाइड्रोजन को हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। देखो यहां पर अगर मैंने ऐसा लिया और मैंने इसकी रिएक्शन Br2 सी एच थ्री सी डबल ओ एच के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझना, यहां पर ये आपका Br इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। ये मैंने इस तरीके का क्वेश्चन ले लिया, यहां पर मैंने Pa जोड़ा हुआ है, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। अब ये अल्फा पोजिशन हुआ, अल्फा पोजिशन पे अगर मैंने Br2 CH3 सी डबल ओ एच के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से समझना, अल्फा पोजीशन पहले आइडेंटिफाई कर लो। अल्फा पोजीशन आइडेंटिफाई मैंने कर लिया है, अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर आपका Br आके जुड़ जाएगा एक अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? काफी इजी रिएक्शन है, लेकिन इन बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म। अब हम समझते हैं बच्चों एक एक करके कि बेसिक मीडियम में क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म मैं ऊपर से समझाता हूं बच्चों, यहां पर ऊपर लिख देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो इन बेसिक मीडियम, अगर मैं बेसिक मीडियम लूंगा तो बेसिक मीडियम में क्या होगा बच्चों? देखो यहां पर आर, यहां पर मैंने ले लिया पीएच ग्रुप CO CH2 CH3, ये कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब देखो इसका मैकेनिज्म, बेसिक मीडियम क्या करेगा? OH माइनस,
सबसे पहले ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा। तो सबसे पहला काम हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन को यहां पर इसने ट्रैप करके ले गया। अब यहां पर क्या बन जाएगा, CH-, अब यहां पर CH3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, यहां पर Br होगा और ये Br होगा। अब Br का ये अटैक करेगा और ये यहां से निकलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, PHCOCHBr और यहां पर CH3। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेसिक मीडिया है ना बच्चों, अगर बेसिक मीडियम का तो काम है जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है उन सबको ट्रैप कर लेना। तो ये फिर से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा, ठीक है। तो यहां पर C-, यहां पर Br और यहां पर CH3। अगेन आपका क्या होगा, Br, अब यहां से Br खुलेगा और ये Br आपका यहां अटैक करेगा। यहां से आपका Br खुलेगा और अब ये Br आपका कहां अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, COC Br Br CH3, इस टाइप का बन जाएगा। अगर मैं इसको बोलूं तो यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड डाई, यहां पर अल्फा पोजीशन। अब देखो इन बेसिक मीडियम रिएक्शन आपका क्या होगा, लेस सुटेबल रिएक्शन होगा, ठीक है। बेसिक मीडिया इसके लिए ज्यादा सुटेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडिया में दो बार Br को ऐड करता है, एक बार नहीं। यहां पर बेसिक मीडिया में रिएक्शन में कितनी बार Br को ऐड कर रहा है बच्चों, दो बार ऐड कर रहा है। तो बेसिक मीडिया में ये रिएक्शन आपका लेस सुटेबल होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको यहां पर रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है। देखो अगर मैंने ऐसा बोल दिया, अगर मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, देखो यहां पर अगर मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, अगर मुझे I2 को जोड़ना है CH3COOH के साथ तो क्या करोगे, कहां जोड़ोगे, इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे आपने I2 को जोड़ दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर बढ़ते बच्चों, बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा बच्चों, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन आपका होता क्या है बच्चों, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसके बारे में मैं एक चीज लिखा देता हूं, दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये रिएक्शन आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, किसके लिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। देखो इसका मैकेनिज्म अब हम ध्यान से समझते हैं कि कैसे होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए बेंजोइन कंडेंसेशन आपका सबसे ज्यादा सुटेबल है। अब देखो कैसे होगा बच्चों, देखो बेंजोइन कंडेंसेशन में बच्चों ये मैंने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी रिएक्शन अगर मैंने KCN या फिर NaCN या फिर मैंने यहां पर C2H5O- बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन को प्रोग्रेस कराया, ठीक है, बेस के प्रेजेंस में मैंने यहां पर रिएक्शन को प्रोग्रेस कराया, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले CN- जो आपका यहां पर न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहां अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर आपका CO- H, अब यहां पर CN। नेक्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होगा इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर का मतलब अंदर ही, ये वाला हाइड्रोजन आपका यहां चला जाएगा। नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों, अब यहां पर यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर आपका CN। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यह हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा दूसरे बेंजाल्डिहाइड पे, दूसरा बेंजाल्डिहाइड अगर मैं लूंगा तो उस पर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। कौन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका, ये जो हमने न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट किया है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। ये आपका यहां जाएगा, ये ऊपर खुलेगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों,
यहां पर आपका इस तरीके से O माइनस, ये H, यहां पर C, यहां पर OH, यहां पर आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है CN। बात क्लियर है। अब यहां पर ये वाला आपका H प्लस ट्रांसफर होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर से आपका क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, COH H, यहां पर CO माइनस CN, और यहां पर आपका इस तरीके से बन जाएगा, और यह वाला बॉन्ड यहां खुलेगा तो यहां से CN आपका बाहर निकल जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन। तो आई होप कि आपको आप समझ में आ रहा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजोइन। तो थोड़ा सा काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल में करना हो तो यहां पर एग्जाम्पल में आपको दे देता हूं एक एग्जाम्पल, ताकि आप लोग सोल्व करें इसको, ठीक है। ये मैंने बना दिया कुछ कंपाउंड, ठीक है। अब आपका इसका रिएक्शन कराना है, ये भी आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन आपको कराना है KCN NaCN C2H5OH के साथ, ठीक है, C2H5O- के प्रेजेंस में। तो इस टाइप के आपको रिएक्शन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, तो हम समझते हैं बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं ध्यान से, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। क्या होता है बच्चों कि आर सी ओ आर डैश की रिएक्शन अगर मैंने एसिडिक मीडिया में पर एसिड के प्रेजेंस में जब मैंने रिएक्शन किया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पर एसिड आपका क्या क्या हो सकता है बच्चों, एम सी पी बी ए, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर एसिड आपका यहां पर, यहां पर आपका पर एसिड आपका सी एच थ्री सी ओ ओ एच भी हो सकता है, सी एफ थ्री, कई बुकों में ये भी लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब डरना नहीं है, इसकी जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है सी ओ थ्री एच, ठीक है, इसकी जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है सी एफ थ्री सी ओ थ्री एच, तो इसका मतलब इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होता है क्या, इसका मैकेनिज्म से ही हम क्लियर करेंगे। देखो यहां पर हम इसको लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो यहां पर आर सी ओ आर डैश, ठीक है, ये आपका है। सबसे पहले एसिडिक मीडिया क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, जैसा कि आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच करना है, आर सी ओ एच प्लस यहां पर सी आर, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा सी आर डैश। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में देखो ध्यान से, ये मैंने लिया एच सी ओ, यहां पर सी ओ सी एच थ्री, ठीक है। अब ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ठीक है, और यहां से H प्लस का रिमूवल होगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, आर सी ओ एच आर डैश। अब मैं इसको यहां बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ओ ओ सी ओ सी एच थ्री, काफी इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपका क्या आएगा, H प्लस, H प्लस फिर आपका अटैक करेगा इस सेंटर पे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, आर सी ओ एच आर डैश सी ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एच थ्री। नाउ अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां खुलेगा और ये आपका ऊपर जाएगा, तो यहां पर आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, एक तो यहां से आपका सी एच थ्री सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, नेक्स्ट आपका यहां पर क्या बनेगा, आर सी ओ एच आर डैश। अब देखो ओ के ऊपर प्लस आ गया, ओ के ऊपर प्लस आ गया। अब यहां, अब हम क्या करेंगे, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड, देखो ध्यान से, आर आर और आर डैश, ठीक है, यहां पर मैंने माना कि आर डैश का माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा है आर से, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड आर डैश का आर से ज्यादा है, तो क्या करेंगे बच्चों, जो अब क्या होगा, ये वाला ग्रुप आपका यहां माइग्रेट होगा,
जैसे ही आपका ये वाला ग्रुप आपका यहां माइग्रेट होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर सी ओ एच ओ आर डैश। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका प्लस चार्ज है, यहां पर आपका एच। अब क्या होगा, ये वाला आपका बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, आर सी ओ ओ आर डैश। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ऑर्डर के हिसाब से। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एस्टर। देखो ध्यान से समझना, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन से किस तरीके से आपको रिएक्शन कराना है। तो देख लेते बच्चों में इसका अब हम एग्जाम्पल। जैसे मैंने ले लिया यहां पर, देखो ध्यान से, जैसे मैंने ले लिया यहां पर ये, ठीक है, ये मैंने ले चुका हूं यहां पर। अब देखो यहां पर तो इसका भी और इसका भी दोनों का माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या करेंगे बच्चों, सी एफ थ्री सी ओ थ्री एच के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे और सीधा हम यहां पर क्या लगा देंगे, ट्रिक समझ लो बच्चों, सीधा हम यहां पर सेवन मेंबर रिंग बना देंगे, ठीक है, सेवन मेंबर रिंग बना दिया। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा ले लिया पी एच सी ओ सी एस थ्री, अब ये बताओ बच्चों दोनों में से माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, दोनों में से माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है बच्चों, यहां पर, यहां पर ये बताओ। अब इसमें मैकेनिज्म लगाओगे तो आप लोग मैकेनिज्म से करना, आप लोग इसका मैकेनिज्म बनाना बच्चों। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इसका माइग्रेटरी ग्रुप और इसका माइग्रेटरी ग्रुप, इसका माइग्रेटरी ग्रुप आपका ज्यादा है तो ये आपका कहाँ अटैक कर जाएगा, ये आपका मूव करेगा, जहां पर माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड जिसका ज्यादा हो वो वहां पर ओ ओ को जोड़ देना है। देखो यहाँ पर आर डैश का माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वहां पर ओ को जोड़ दिया, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पी ओ सी एच सी एस थ्री, ठीक है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन ले लूं, बाय बाय द वे देखो यहां पर ये मैंने ले लिया सी टू एच फाइव। अब देखो बच्चों यहां पर माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, मैंने आपको बताया था सीओ थ्री एच। अब ये वाला ग्रुप टूटेगा तो यहां पर आपका टू डिग्री का कार्बन है, ठीक है, और ये वाला टूटेगा तो यहां पर आपका वन डिग्री है, ये वाला कार्बन आपका वन डिग्री है ना, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये वाला बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा तो ये आपका टू डिग्री है, तो यहां पर इसका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो जिसका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पर आपको क्या जोड़ देना है बच्चों, सिंपल ओ को जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपका यहां पर क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे आप लोग, ये आपका सी टू एच फाइव, एक दो तीन चार पांच, यहां पर आपका सी टू एच फाइव, सॉरी यहां पर आपका सी टू एच फाइव और यहां पर आपका ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से बन जाएगा। मतलब ये ले देखिए, आपको यहां पर किसको ध्यान रखना है, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड को, जिसका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसको तोड़ो और वहां पर ऑक्सीजन लगा दो, सिंपल, ठीक है। मैकेनिज्म तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोग एक बार इन सारे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म सोल्व करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म एक बार सोल्व करना, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा, तब आपको यहां पर और भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात कर लू यहां पर कि यहां पर इन सारे रिएक्शन की मैकेनिज्म आप लोग सोल्व कर लेना, तो आई होप कि आपसे हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन विद एसीओ टू, ठीक है, ऑक्सीडेशन विद एसईओ टू। तो ऑक्सीडेशन विद एसीओ टू में क्या होगा बच्चों, देखते हैं हम ध्यान से। तो अब हम बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन विद एसीओ टू, ऑक्सीडेशन विद एसईओ टू, ठीक है, एसईओ टू के साथ ऑक्सीडेशन। तो देखो एसईओ टू का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स मोनोकीटो ग्रुप इंटू डाइकीटो ग्रुप, मोनोकीटो ग्रुप इंटू डाइकीटो ग्रुप, ठीक है, मोनोकीटो ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करेगा, डाइकीटो ग्रुप में, पहला काम इसका ये है। तो देखो कैसे होगा बच्चों, अगर मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया यहां पर OH, ठीक है, अब यहां पर ये क्या करेगा, ये आपका SiO2 के प्रेजेंस में यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर सिंपल आपका यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर आपका डबल बॉन्ड हो, यहां पर आपका डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल देख लेता हूं बच्चों, ये मैंने बना दिया H, अब देखो यहां पर H के साथ नहीं होता है, यहां पर CH3 लेते हैं या CH2 लेते हैं,
इन सब के सी एच के साथ होगा, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर सी एच थ्री, तो यह आपका आपका डाई कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने ले लिया सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच थ्री। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों इसका करूं या इसका करूं, ठीक है? देखो इसका करता हूं इसका करता हूं, ध्यान से समझना। सी एच थ्री सी ओ सी ओ सी एच थ्री, और एक मैंने यहां पर इसका किया, तो यहां पर क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी ओ एच। ये जो होगा वो आपका माइनर ग्रुप माइनर होगा प्रोडक्ट, और यहां से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा मेजर होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझना बच्चों, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री है, और ये आपका 1 डिग्री है, ठीक है? 1 डिग्री एक ही कार्बन से अटैच है, लेकिन ये आपका 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री। तो अगर मैं एसीओ2 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी रखूं तो 2 डिग्री का ज्यादा, फिर 1 डिग्री का, फिर लास्ट में कितना आता है बच्चों 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का रिएक्टिविटी सबसे लेस होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, इट कन्वर्ट मोनो कीटो ग्रुप इनटू डाई कीटो ग्रुप। मतलब सिंपल समझेंगे, ठीक है? अगर मैंने यहां पर एक और कंपाउंड मैंने ले लिया, देखो यहां पर इस तरीके से मैंने कोई कंपाउंड मैंने ले लिया, ठीक है? अब यहां पर इसकी रिएक्शन मैंने एसीओ2 के प्रेजेंस में करा दिया, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, ये आपका बन जाएगा, ठीक है? डाई कीटो ग्रुप में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। एक और ग्रुप में लेता हूं बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर इसकी रिएक्शन अगर मैंने एसीओ2 के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? तो मोनोकीटो ग्रुप को आपको डाइकीटो ग्रुप में कन्वर्ट करता है। सेकंड इसका जो प्रोसेस है बच्चों, सेकंड जो इसका सेकंड जो इसकी रिएक्शन है वो क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड रिएक्शन आपके क्या है इसमें, रिएक्शन सेकंड, इट कन्वर्ट अलाइलिक हाइड्रोजन इंटू अलाइलिक एल्कोहल, ठीक है? इसमें कन्वर्ट करता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर मैंने इस तरीके से ले लिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, अब देखो सी एच टू ये मेरे पास अलाइलिक पोजीशन है, ठीक है? ये आपका 1 डिग्री अलाइलिक है, तो 1 डिग्री अलाइलिक को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसीओ2 के प्रेजेंस में। जल्दी से बताओ बच्चों, यहां पर सी एच टू ओ एच हाइड्रोजन को ले जाएगा, और यहां पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, या फिर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, चलो ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब देखो यहां पर मैंने अगर एसीओ टू के साथ रिएक्शन कराया तो क्या होगा बच्चों, अब देखो अलाइलिक पोजिशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तो ये वाला अलाइलिक पोजिशन होगा, एक ये वाला होगा, लेकिन क्या इस अलाइलिक पोजिशन पर हाइड्रोजन है, नहीं है, और इस एलाइलिक पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन है। तो जिस एलाइलिक पोजीशन पे अगर आपका हाइड्रोजन होगा, उस एलाइलिक पोजीशन को आपको सिंपल किस में कन्वर्ट कर देना है, OH में। अब अगर हम इसका एक और देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हैं कि यहां पर आप देखो, यहां पर मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, तो ध्यान से समझना, ये आपका सी एच थ्री ये आपका सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है? यहां पर आपका सी एच थ्री। अब देखो ये भी अलाइलिक पोजीशन है, ये भी अलाइलिक पोजीशन है, दोनों अलाइलिक पोजीशन है, ठीक है? अब दोनों में से किसका किया जाएगा, देखो ये आपका 2 डिग्री अलाइलिक पोजीशन है, ये आपका 1 डिग्री अलाइलिक पोजीशन है। तो मैंने आपको अभी अभी रिएक्टिविटी बताया कि 2 डिग्री अलाइलिक पोजीशन का ज्यादा रिएक्टिविटी होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, तो 2 डिग्री को आपको OH में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री अलाइलिक पोजीशन को आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? यहां पर 2 डिग्री अलाइलिक हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं एक और क्वेश्चन दे देखते हैं बच्चों यहां पर, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एसीओ2 के साथ। अब देखो बच्चों, ये आपका अलाइलिक पोजीशन, ये भी आपका अलाइलिक पोजीशन, ठीक है, ये भी आपका अलाइलिक पोजीशन। हाँ, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे और यहां पर ऐसे, ठीक है? ये भी आपका अलाइलिक पोजीशन, ये भी आपका अलाइलिक पोजीशन। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला अलाइलिक पोजीशन आपका 3 डिग्री है, और ये वाला अलाइलिक पोजीशन आपका कितना है बच्चों, 2 डिग्री है। जब ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है,
तो कौन से एलाइलिक पोजीशन को आपको इंटरचेंज करेगा बच्चों? ये आपका टू और थ्री में से किसकी रिएक्टिविटी? टू की मैक्सिमम होती है। तो ध्यान से समझना बच्चों कि यहां पर 2 डिग्री एलाइलिक पोजीशन को ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 3 डिग्री को नहीं करेगा। थोड़ा इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन क्या होगा। यहां पर ये आपका इसको भी कन्वर्ट कर देता है, ये मैंने इस तरीके से बनाया, ये मैंने इस तरीके से बनाया। अब देखो यहां पर CH3, अब इस CH3 को आपको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? ये CH3 को आपको ये आपका यहां पर CHO में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि SCO2 का फंक्शन क्या है, SCO2 का आप यहां पर फंक्शन क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी इजी रिएक्शन है, SCO2 के साथ किस तरीके से हमको ऑक्सीडाइजेशन को प्रोसीड कराना है। ठीक है, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि किस किस को ऑक्सीडाइजेशन कराता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन भी ले लेते हैं बच्चों अब हम, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों अब हम। अब देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे कौन कौन से होंगे बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझते हैं। हमने एल्डोल पढ़ लिया, केनिजारो पढ़ लिया, बेयर विलेगर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं। देखो ये मेरे पास यहां पर इस तरीके से, और ये मेरे पास इस तरीके से रिएक्शन है। अब इसकी सॉरी, सबसे पहले ये मैंने कोई कंपाउंड लिया है। ठीक है, जहां पर मैंने कोई कंपाउंड लिया है, तो देखो ये बी, ये मैंने, ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है O3ZnH2O के साथ, O3ZnH2O के साथ। ठीक है, आपका ए प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ए प्रोडक्ट का आपको क्या कराना है बच्चों? OH- के साथ रिएक्शन कराना है, बी प्रोडक्ट बनेगा। अब ए प्रोडक्ट और यहां पर दोनों प्रोडक्ट आपके सेम बनेंगे, इसका रिएक्शन आपको CH3MgBr के साथ कराना है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराना है। नेक्स्ट रिएक्शन, इसका रिएक्शन आपको किससे कराना है? Br2CH3COOH के साथ कराना है। नेक्स्ट अगर आपका इसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है? नेक्स्ट आपको इसका रिएक्शन यहां पर एक और कहता हूं मैं, यहां पर समझ में आ जाएगा। इसका रिएक्शन आपको यहां पर CF3COOH के साथ इन एसिडिक मीडियम के साथ कराना है। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसकी रिएक्शन आपको आपको किसके साथ कराना है? KCN, यहां पर HCN के साथ कराना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जी, आपको जी तक प्रोडक्ट बार बताने हैं एक एक करके ध्यान से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम किसका ध्यान रखेंगे? एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो सबसे पहले O3ZN आपका क्या करेगा? सबसे पहला स्टेप ए प्रोडक्ट। ठीक है, O3ZN आपका क्या करेगा? यहां से तोड़ेगा, यहां पर दो प्रोडक्ट बना देगा। सबसे पहले मैंने ए को बना लिया, ए आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए मैंने बना लिया है, अब इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब ए से आपको क्या क्या बनाना है बच्चों, ध्यान से समझना। ए से आपको सबसे पहले आपको यहां पर ए से आपको बी बनाना है, एल्डोल। ठीक है, बी क्या है बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो OH- से ट्रैप करेगा और यहां पर आपका इनोलेट आयन बनाएगा। अब ये इनोलेट आयन आपका कहां अटैक करेगा? अगले ग्रुप के इस पॉइंट पे, और ये आपका ऊपर जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर आपका इस तरीके से ये आपका O माइनस इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर OH, देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर हीटिंग का दिया हुआ नहीं है, यहां पर हीटिंग का दिया हुआ नहीं है। जब यहां पर हीटिंग का नहीं दिया हुआ होगा
तो यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सिंपल क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर सिंपल आपका बन जाएगा OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन कराना है। ये हमने B बना लिया, अब B को मैं हटाता हूँ एक एक करके ध्यान से। B हमने बना लिया A से, अब A से C देखते हैं, CH3MgBr, इसकी रिएक्शन, ये आपका B था। अब देखो CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, ये ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर R माइनस यहाँ जाएगा और वहां पर क्या जाएगा O माइनस MgBr, और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका CH3। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, देखो यहां पर हाइड्रोलाइसिस भी दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ओ एच, यहां पर आपका CH3। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सी हमने बना लिया, सी आपका बन चुका है, अब यहां पर देखते हैं डी क्या बनेगा। डी क्या होता है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में आपका जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल में। कीटोन ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल में। ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं, देखो यहां पर मैंने इसको बना लिया है, यहां पर मैंने इन दोनों को बना लिया है, अब हम और भी रिएक्शन समझते हैं। देखो डी, अब देखो ई क्या है बच्चों, ये आपका Br2CH3, अभी अभी मैंने बताया हेलोजिनेशन, अब इसका अगर मैं हेलोजिनेशन कराऊंगा, देखो इसका अगर मैं हेलोजिनेशन कराऊंगा, देखो यहां पर मैं बताता हूं, यहां पर मैं 2 मिनट, 2 मिनट बच्चों, अब मेरे पास यहां पर 3 ऑप्शन है, F तो पर एसिड, जी आपका साइनोहाइड्रेट। ठीक है, F पर एसिड, जी आपका साइनोहाइड्रेट। देखो यहां पर अगर मैंने Br2CH3COOH के साथ कराया तो हेलोजिन जिनेशन होगा, हेलोजिनेशन होगा तो यहां पर बी आर आ जाएगा। ठीक है, अब एफ आपका क्या है बच्चों, एफ रिएक्शन आपका क्या था, एच प्लस और CH3, सॉरी CF3COOH पर एसिड, तो इसका नाम क्या है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, हम तो बेयर विलेजर होगा तो यहां पर इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड से। नेक्स्ट आपका जो जी रिएक्शन था वो क्या था बच्चों, जी रिएक्शन आपका था बच्चों यहां पर क्या था, साइनोहाइड्रिन HCN के साथ, तो साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा बच्चों, ये OH और यहां पर CN और यहां पर इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी मैं इस रिएक्शन को और मैं एक्सपांड कर सकता था, कब, जब मैं इसकी रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस कर देता, अगर मैं यहां पर एस्टर का मैंने अगर रिएक्शन कराया होता, मैंने आपको बताया था एस्टर का ऑक्सीडेशन, तो एस्टर का भी ऑक्सीडेशन करा के मैं रिएक्शन को निकाल सकता था। ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने यहां पर एक और मैं करता हूं, यहां पर यह हो जाएगा बच्चों आपका ABCDEF, सॉरी ये आपका E, ये आपका F था बेयर विलेजर और ये आपका G। अब देखो एक और, अगर मैं इसकी रिएक्शन वर्गेस ऑक्सीडेशन, मतलब इसका मैं 100% ऑक्सीडेशन कराऊंगा, मैंने ऑक्सीडेशन में आपको बताया था कि किस तरीके से कीटोन का ऑक्सीडेशन इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, कैसे कराते हैं ध्यान से समझना। इसका मैं इनोल फ्रेगमेंट बनाऊंगा, इसका मैं इनोल फ्रेगमेंट बनाऊंगा सबसे पहले, जैसे ही मैंने इसका इनोल फ्रेगमेंट बनाया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये मैंने आपको एल्कोहल में बताया है, इनोल फ्रेगमेंट बनाया, इनोल फ्रेगमेंट बनाने पर बच्चों यहां पर ये आपका केमेनो 3, सॉरी केमेनो 4, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ये आपका एल्कीन का टूटना, मैंने आपको बताया था एल्कीन जहां जहां टूटेगा वहां वहां आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, देखो ये आपका इस तरीके से, यहां पर आपका डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इस तरीके से आपका यहां पर ऑक्सीडेशन आपका हो जाता है। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके आ जाएंगे, ध्यान से समझना बच्चों, इस तरीके से आपका यहां पर इसका ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, यहां पर इस तरीके से होगा बच्चों ये, ठीक है, यहां पर इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां पर केमेनो 4 क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को, मतलब मैंने आपको बताया था ना CH2 CH2 को अगर तोड़ेगा तो यहां पर एक है तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, CH2 CH2 को तो तोड़ेगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, HCOOH और HCOOH, ये मैंने बच्चों आपको हाइड्रोकार्बन में बताया था, तो थोड़ा हाइड्रोकार्बन अगर आप रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को
प्रोग्रेस करना है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।